इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आई है, जहां एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मुंबई के कपूर अस्पताल ने सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की है। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाइयां ली थी, लेकिन उसके बाद वह सुबह उठ नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बता दें, मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में वह बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल में दिखे थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधू सीरियल से बनी थी, जिसने उन्हें घर घर तक पहुँचाया था। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड का भी रुख किया। साल 2014 में आई हमपट्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में वो दिखाई दिए। इसी साल उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की वेब सीरीज आई थी, जिसने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। वह इस दुखद खबर के सामने आने के बाद से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। लोगों को इस खबर पे भरोसा नहीं हो रहा। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सिद्धार्थ के फैंस भी गमगीन हैं। बता दें, टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रहे सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया। वहीं सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी एक पहचान बनाई थी।